पूछते हैं लोग कब साधना करनी चाहिए, सुबह 3 बजे कम से कम बिस्तर छोड़ देना चाहिए, साधना के लिए तैयार हो जाना चाहिए और परमात्मा के नाम का सुमरण शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि बिना नाम सुमरण के नहीं उठा जाएगा। कुछ लोग 3 बजे तो बहुत दूर की बात है, 8 बजे तक साधना के नज़दीक नहीं जाते, कैसे होगी साधना, मन के ऊपर पकड़ ही नहीं है, इंद्रियों के ऊपर पकड़ ही नहीं है। साधारण जीव नहीं सोच सकते, क्योंकि साधारण जीव मन के अधीन है और मन जब तक सुबह उठ करके ध्यान शुरू नहीं होगा, मन के ऊपर पकड़ नहीं होगी, जब आप बैठ करके उस नाम का सुमरण शुरू करेंगे, जब आप बैठ के नाम का जाप शुरू करेंगे, तो मन धीरे धीरे आपको भटकाने लगेगा। अरे नहीं, निंद्रा आ गई, थोड़ी देर और सो लेते हैं, थोड़ा सा और कुछ पल के लिए और लेट जाते हैं। मन ये कहेगा अभी तो काफ़ी उम्र पड़ी है, अभी क्या जल्दबाजी है। मन ये कहेगा कि नहीं नहीं, थके हुए हैं, कल कर लेंगे, आज रहने दो। मन ये कहेगा अरे पैसे कमा लेते हैं, हमें ड्यूटी पर जाना है, दुकान पर जाना है, बिजनेस करना है, थोड़ा कंप्यूटर खोल लेते हैं, 1 घंटा उसमें काम कर लेते हैं, नींद उतर जाएगी, फिर सोचते हैं। क्योंकि साधना श्रेष्ठ काम नहीं समझते, साधना को पहला काम नहीं समझते, हम साधना को ये नहीं मानते सबसे ज़रूरी है, साधना को ये मानते हैं टाइम लगेगा तो हो जाएगा, अगर टाइम नहीं लगा तो रहने दो, ऐसे नहीं होगा। 50-50 साल जिनको भजन करते हो गए, जिनको मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने 70-70-80-80 वर्ष भजन करते हुए हो गए, लेकिन वही खाली के खाली हैं, न साधना है न मन को साध पाए, बैठे रहते हैं, बैठ भी नहीं पाए, बस उन्हीं विचारों के अंदर फंसे हुए हैं, न विचार को छोड़ पाए, न घर को छोड़ पाए, न संसार को छोड़ पाए, न मोह को छोड़ पाए, न अपने ऊपर पकड़ पकड़ पाए, न संसार में जी पाए, न संसार से दूर हो पाए। इसी प्रकार के लोग बहुत हैं जो भ्रमित हुए घूम रहे हैं, और भ्रमित हुए लोग जो स्वयं को नहीं जानते, जो अपने को नहीं खोज पाए, आप लोगों को कैसे उठाएंगे, कैसे उस साधना तक लेकर के जाएंगे, कैसे ये मन पवित्र होगा, नहीं हो सकता, कितना भी कोशिश करते रहे नहीं होगा, बिना मन के कंट्रोल ही नहीं होगा। जब आप सुबह उठ करके साधना शुरू करेंगे, ध्यान शुरू करेंगे, ये मन फिर सुमरण जबान से नहीं करना है, सुमरण जीवा से नहीं करना है, सुमरण मन से करना है। जब तक मन से सुमरण नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, मन धीरे धीरे आलसी होगा और धीरे धीरे दूसरे विचार उठेंगे, सुमरण मन से जबान के ऊपर आ जाएगा और जबान से वाणी के ऊपर आ जाएगा, वाणी के ऊपर से सीधा बाहर निकल जाएगा और आपका क्या होगा, आप सो जाएंगे। और ये उठ करके ये देखेंगे, जब हमने ये काम शुरू किया, आज से लगभग 8-9 वर्ष पहले की बात है, शुरू तो 10 वर्ष पहले किया होगा, 10-11 वर्ष पहले, हमारे पास एक लड़का आता था, बात करते करते बैठे थे, सत्संग की चर्चा चल रही, परमात्मा की चर्चा चल रही, एकदम से पीछे बैठा बैठा सो जाता, उसको साथ वाले हिलाते, अरे सोगा, वो कहता नहीं नहीं ध्यान लग गया था। यही हालात हो गई है लोगों की, कि सोने को ध्यान समझ बैठे और ध्यान का पता ही नहीं, ध्यान क्या ताकत है, क्या चीज़ है। तो मन के ऊपर बैठना शुरू करो, मन के ऊपर नहीं बैठोगे तो ये मन आपके ऊपर बैठ जाएगा, जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा साधना की शुरुआत नहीं होगी। आप चाहे बैठे रहें, चाहे खड़े रहें, चाहे लेटे रहें, जब सुबह 3 बजे साधना शुरू होगी और पूरा दिन नाम का सुमरण श्वासों के साथ चलता रहेगा, आप बहुत एकाग्रचित हो करके कोई भी काम करेंगे तो भी साधना चलती रहेगी। आप कोई भी काम कीजिए, लेकिन साधना नहीं छूटनी चाहिए, मन इतना एकाग्र होना चाहिए। जैसे आप ड्राइवर को देखिए, गाड़ी चलाते हुए ध्यान कहाँ होगा, ध्यान सड़क के ऊपर होगा, वो बात भी सुनता रहेगा, काम भी करता रहेगा और गाड़ी भी चलाता रहेगा। उसी प्रकार से ये काम हो जाएगा आपका, कि आप ध्यान भी करते रहेंगे और संसार का काम भी करते रहेंगे, लेकिन ध्यान पहला लक्ष्य होगा, ध्यान हमारा प्रथम मकसद होगा,
अगर प्रथम मकसद ध्यान नहीं होगा, सांसारिक काम होंगे, फिर ध्यान नहीं रोक पाओगे आप, ध्यान फैल ही जाएगा। फिर इकट्ठा करके लाओ, इकट्ठा करके संसार की एक एक वस्तु को देखते रहो, छोड़ते रहो, आपको पता चलता रहेगा ये मन क्या कर रहा है। आपको पता चल जाता है कि मन के अंदर अब ये विचार उठा है, मन के अंदर ऐसी चाहत है, मन के अंदर ऐसी इच्छा है, मन के अंदर ऐसा विचार है, मन ये चाहने लगा है, मन उस ओर भागने लगा है, मन को ये चीज़ सुंदर लगती है, मन को ये चीज़ अच्छी लगती है, आपको पता चलता रहेगा साथ साथ। क्योंकि अंदर में दो आवाज़ें उठती रहती हैं, एक आवाज़ नाम की होगी और दूसरी आवाज़ जो आप सुनेंगे ये मन की आवाज़ होगी, और एक दूसरे के ये साथ चलेंगी। जब तक इन दोनों आवाज़ों को एक नहीं मिला दो कि वो आवाज़ भी नाम गूंजने लगे, और पहले वाला तो नाम चल ही रहा था, तब तक साधना नहीं होगी, आप नहीं साध पाएंगे। तो धीरे धीरे जब ये एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी साधना भी बढ़ती चली जाएगी, आपकी श्वासों के ऊपर पकड़ भी बढ़ती चली जाएगी, आप एक तक देखते रहेंगे, आप कहीं भी रहो वहीं साधना चलती रहेगी, क्योंकि मन की साधना कभी रुकती नहीं। आप फिर शाम को सोने से पहले साधना करो, उसके नाम की चर्चा करो, सत्संग की चर्चा करो, या उसका गुणगान करो, या गुरु की चर्चा करो, कुछ भी, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कुछ न कुछ आप ज़रूर कुछ वक्त लगाइए और फिर साधना कीजिए। चाहे सोने से पहले आपको कुछ ही टाइम लगे, चाहे आपको सोने से पहले 20 मिनट का टाइम हो, चाहे कितना भी टाइम लगे, आपको टाइम लगाना चाहिए। अगर आप वो टाइम नहीं लगाएंगे तो फिर नहीं होगा, फिर वो साधन छूट जाएगा, फिर मन से नाम छूट जाएगा, नाम छूटने के बाद फिर आप निंद्रा में चले जाएंगे। लेकिन जब आप साधना करते करते और साधना करते करते आप लेट जाएंगे और साधना करते करते आप सो जाएंगे, तो आपकी रात को जब आँख खुलेगी आपको पता चलेगा नाम चल रहा है, आपको एहसास होगा कि मैंने नाम लिया नहीं फिर भी नाम चल रहा है। जब इस प्रकार की साधना शुरू होगी तो समझो आप मार्ग पर चलने लगे हैं, आपका प्रयास बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है, आपका जो लक्ष्य है सही रास्ते पर, आपकी गाड़ी सही दिशा में भाग रही है। अगर आप ये समझो आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो आपकी गाड़ी रास्ते पर नहीं है, पटरी छोड़ चुकी है, दूसरी दिशा में भाग रही है, आप कभी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे, कभी भी चले जाओ कितना भी पर मंजिल पर नहीं जाओगे।